education.com में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ईएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं और आज हम फिर से थायरिस्टर का 2003 का ईएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन एराइज किया है, यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू गिवेन है। एक में नाम दिया है थायरिस्टर फैमिलीज का और दूसरे में उसका सिम्बल दिया है और इन दोनों को मैच करवाना है। तो इससे पहले लेक्चर नंबर वन का जो डी था, हमने डिफरेंट जो थायरिस्टर फैमिलीज है उनका नाम हमने डिस्कस किया था और उसका शॉर्ट एंट्री वहाँ पर दिया था। ठीक है, आज एक बार फिर हम सब देख लेते हैं हम लोग LASCR, LASCS, LASCS, LASCR वगैरह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो थायरिस्टर फैमिली है कुछ का नाम मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर है पुट सुस LASCS और RCT, इन चारों को हम लोग एक साथ देखेंगे क्योंकि इन चारों का जो प्रॉपर्टी होता है काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। ठीक है, सिंबल हो गया या फिर जो इसका स्ट्रक्चर होता है थायरिस्टर से मिलता जुलता है और सारे एक दूसरे से करीब मिलते हैं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। तो इन चारों को हम लोग एक साथ देखेंगे, पुट सुस LASCS और RCT। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक LASCR का दिया है, LASCR का आप लोग जानते ही होंगे, LASCR का हम लोग हम यहाँ पर छोड़ करके चलेंगे। उसके बाद डायक ट्रैक छोड़ करके चलेंगे और फिर लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें PUT का तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर थायरिस्टर की तरह ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम लोग जो गेट पल्स देते हैं वो N को देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारा जो एनोड का वोल्टेज होगा गेट के वोल्टेज से 0.7 अगर ज़्यादा रहा तो हमारा क्या होगा, ए PUT जो है ऑन डिवाइस की तरह काम करेगा और जब इसका वैल्यू 0.7 से लो होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसका अगर सिंबल की बात करें तो यहाँ पर थायरिस्टर में हम लोग ऊपर यहाँ पर देते हैं और ये नीचे की ओर है। उसके बाद पुट के बाद अगर हम स्विच की बात करें, SUS की बात करें तो यहाँ पर हम लोग एक एवलांचे डायोड ऐड कर देते हैं जो N, यहाँ पर N फिर से जो गेट है फिर से N के साथ ही अटैच है और यहाँ पर हम लोग एक एवलांचे डायोड दे देते हैं जो कि रिवर्स डायरेक्शन में इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो यहाँ पर जो नीचे की ओर जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं गेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा होता है। ठीक है, अगर इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो हम LASCR से थोड़ा सा डिफरेंट है। LASCR में क्या होता है, हम लोग जो वोल्टेज देते हैं ऑन करने के लिए इसको एनोड टू कैथोड वो वैरी करता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन ये काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट होता है। इसका जो वोल्टेज होता है यहाँ पर ऑन करने के लिए वो काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और थायरिस्टर की प्रॉपर्टी में अगर बात करें ऑन वोल्टेज का तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज का। उसके बाद अगर हम बात करें LASCS का तो LASCS में डिफरेंस ये है थोड़ा सा कि पुट PUT में हम लोग क्या किए, PUT में सिर्फ N के साथ अटैच था एक गेट पल्स, यहाँ पर N के साथ भी है और P के साथ भी है, मतलब कि इसको हम लोग चाहे तो इससे भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं या फिर इससे भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर पल्स को हाई रखेंगे तो ये क्या होगा, ऑन रहेगा, लो रखेंगे तो ऑफ होगा। काम कैसे करता है, अगर यहाँ पर हम लोग निगेटिव पल्स सप्लाई करेंगे तो निगेटिव पर ये ऑन होगा क्योंकि यहाँ पर जब निगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा तो ये फॉरवर्ड बैच में काम करेगा। ठीक है, N और P दोनों, और ये आसानी से ऑन हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे तो फिर ये रिवर्स बैच्ड हो जाएगा जंक्शन और उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बैच्ड में दोनों। ठीक है, और फिर ये आसानी से ऑन हो जाएगा और ऑफ अगर निगेटिव देते हैं तो फिर ये ऑफ के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, थायरिस्टर में 3 होता है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसलिए इसको टेट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसका यूज का तो इसका यूज होता है सर्किट को ट्रिगर करने में। ठीक है, और पल्स जनरेटर के रूप में इसका यूज होता है, वोल्टेज सेंसर और ऑक्सीलेटर के रूप में इसका यूज होता है। तो यूज तो जनरली पूछेगा नहीं, पर इसका जो सिंबॉलिक जो डायग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आते हैं। ठीक है, हम लोग देख लिए अभी तक PUT हो गया, SUS हो गया, RCT हो गया और अब हम लोग देखते हैं, LASCS हो गया और अब देखते हैं RCT। RCT में क्या है, RCT में हम लोग बस जस्ट हम लोग क्या किए थे, सूस में जो SUS में जो हम लोग एवलांचे डायोड लगाए थे वो यहाँ पर कैथोड और गेट टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था, पर यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है ये जुड़ा हुआ है सीधे कैथोड और एनोड के बीच में। ठीक है, अगर इसके रेटिंग की हम बात करें तो इसका रेटिंग करीब 2000 वोल्ट से लेकर के 500 एम्पियर
ठीक है। अगर वोल्टेज के टर्म में बात करें तो 2000 वोल्ट वोल्ट है और करंट 500 एम्पियर, ये इसका रेटिंग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिवर्स ब्लॉकिंग जो कैपेसिटी होता है इसका, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी इसका बिल्कुल जीरो होता है इस डायोड की वजह से। और यहाँ पर हीट सिंक का जो साइज होता है वो भी रिड्यूस होता है इस डायोड की वजह से, ठीक है। ज़्यादा हीट सिंक की जरूरत, ज़्यादा बड़ा साइज के हीट सिंक का जरूरत नहीं पड़ता है। हीट सिंक क्या करता है, डिवाइस को गर्म होने से बचाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर का, तो इसको ऑन करने के लिए हम लोग सिंपली नाम से ही सारा कुछ पता चल जाता है। लाइट हम लोग यूज करते हैं इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक सिलिकन बफर बना होता है, सिलिकन बफर पर हम लोग एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो लाइट होता है इसके ऊपर हम लोग देते हैं। इसको गाइड करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इस लाइट को एक जो बफर बना होता है सिलिकन का, उस पर फोकस करते हैं इस एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को, ठीक है, और जिससे ये थायरिस्टर ऑन हो जाता है। अगर इसका यूज की बात करें तो इसका जो जनरली जो मेनली जो यूज होता है वो होता है हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके अलावा पावर कंपनसेटर में, स्टैटिक रिएक्टिव पावर कंपनसेटर में भी इसका इस्तेमाल होता है लाइट एक्टिवेटेड थायरिस्टर का, ठीक है। तो आपने सारा थायरिस्टर फैमिलीज को जो थोड़ा सा डिफरेंट था उसे आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसमें सबसे पहले एससीआर, एससीआर का सिंबल यहाँ पर कौन सा होगा, एससीआर का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एक इस तरह से लाइन दे देते हैं। तो इस टाइप का सिंबल कहाँ पर दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। इस लाइन को हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ए हो जाएगा एससीआर, मतलब कि ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ए नंबर का आंसर ए होगा। उसके बाद बी में है एससीएस, तो एससीएस में क्या होगा, यहाँ पर दो ठो गेट हम लोग यूज करते हैं, एक एन के लिए और दूसरा पी के लिए। तो दो गेट हम लोग देखेंगे किस में यूज हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दो दो गेट यूज हुआ है, तो ए हो जाएगा आंसर बी का, ठीक है, ये है ए का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिलिकन यूनिलैटरल, मतलब एसयूए, एसयूएस में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसका बनाते हैं सिंबल, और यहाँ पर जो होता है एसयूएस में हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं। अगर पीयूटी की बात करें तो पीयूटी में हम लोग इसको थोड़ा ऊपर में ना दे करके नीचे में दिए थे, पर ये थोड़ा सा इस टाइप से मुड़ा हुआ था, पर यहाँ पर एसयूएस में हम लोग इसको स्ट्रेट रखते हैं, तो स्ट्रेट यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन 2 में, तो ए हो जाएगा सी का। और उसके बाद बात करेंगे लाइट एक्टिवेटेड एससीआर का, तो यहाँ पर इसे पहचानना बिल्कुल आसान है, ए हो जाएगा आंसर डी का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर 4321 डी सही हो जाएगा, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।